कोई भी व्यक्ति अपने मन में कुछ करने की ठान ले तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। बस ठान ले कि कुछ कर गुजरना है। हम बात कर रहे हैं आगर मालवा जिले के पिपलोन कला निवासी रफीक खान, जो कि दोनों पैरों से दिव्यांग हैं और अपने इस हौसले और लगन से खान आगर मालवा जिले में बड़ी सक्रियता से दिव्यांग होने के बावजूद भी अच्छे से पत्रकारिता करते हैं। और आज इनकी इसी सक्रियता के चलते केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन नई दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्ष मान तेज करण चौहान एवं प्रदेश संगठन मंत्री कैलाश चंद्र फलेरिया की सहमति से रफीक खान को आगर मालवा जिले का केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसी कड़ी में रफीक खान ने कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। इस मानव अधिकार संगठन का किसी जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, उसमें तो मानव कोई भी हो उसकी मदद करना है और उसे उसका सही अधिकार दिलवाना है। रफीक खान की नियुक्ति होने पर इष्ट मित्रों ने बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। आगर मालवा से रफीक खान की रिपोर्ट।